हेलो, दिस इज जैना रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम द चैनल आज का खान पान। और देखिए अंजाम, आज का मानव अपनी सभ्यता को भुलाकर न जाने क्या क्या खाए जा रहा है। जी हाँ, पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में मानव ने सब कुछ बदल दिया है और साथ ही उसने अपने खाने पीने की व्यवस्था को भी पूरा बदल दिया है। खाना मंगवाया जा रहा है ऑनलाइन, तो वही हॉस्पिटल्स में भी बढ़ती जा रही है लाइन। जी हाँ, आपने सही सुना, खाना मंगवाया जा रहा है ऑनलाइन, हॉस्पिटल्स में भी बढ़ती जा रही है लाइन। स्विगी जोमैटो कर रहे हैं तरक्की, ऑफर्स मिलने पर समझते हैं अपने आप को लक्की, पर क्या आपने कभी सोचा इन सब का अंजाम क्या होगा? यदि खाने पीने का विषय आए तो हम सबका भरोसा मात्र साइंटिस्ट और डॉक्टर्स पर ही होता है ना? क्यों? वाई? बिकॉज वो लोग हमारे बॉडी को रिलेटेड जो भी फायदा होगा उसको लेकर बात करते हैं। पर आज मैं आपको हमारे सुपर साइंटिस्ट, जी हाँ, द सुपर साइंटिस्ट, द सुपर डॉक्टर, दैट इज लॉर्ड महावीर की कुछ बातों को बताना चाहूँगी कि जिसको फॉलो करके आप अपने बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को ही संभाल सकेंगे। तो इसी बात को आप तक पहुँचाने के लिए आ रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने अनजाने मेहमान। अगर किसी मॉल में जीन्स खरीदना है तो सबसे पहले आप उसका नाम देखते हो। क्या कभी कोई अनजान फल या सब्जी खाने के पहले सोचा है कि उसका नाम क्या है, यानी क्वालिटी या हानि लाभ आदि क्या है? नहीं ना, प्रभु कहते हैं जिस वस्तु का नाम न पता हो वो नहीं खानी चाहिए। और मैं हूँ वही अनजान फल, न जान न पहचान। देन हाउ कैन आई बिकम योर पेट का मेहमान? जैसे वंगचूर मेरा सेवन न करके मरने से बच गया था, वैसे ही आपके जीवन में भी फायदा हो सकता है। धन्यवाद। प्रणाम। पहले तो जंक फूड खा कर आपने अपने कमर और पेट फुला दिए, और अब उसे कम करने के लिए नींबू और मुझे गर्म पानी में मिलाकर फिटनेस बना, तो यह कहाँ की समझदारी है? मुझे तो मधुमक्खी के छत्ते को निचोड़ कर बनाया जाता है। मुझसे मिली हुई फिटनेस किस काम की? जिसको पाने के लिए छोटी छोटी मक्खियाँ जिनके पंख पैर भी नहीं उगे होंगे वे अंदर ही घुट कर मर जाए, और वह भी मधुमक्खियाँ फूल के अंदर से शहद निकाल कर अपने मुंह से छत्ते में जमा करती है। तो आप कहीं ना कहीं उनका दुख मजे से खा रहे हो। ऐसा शहद खाकर मानव तू सच में नरक के परमाधामी जैसा काम कर रहे हो। धन्यवाद। प्रणाम। अगर आपको सर्दी के मौसम में हिमालय की पहाड़ियों पर निर्वस्त्र खड़ा कर दिया जाए तो कैसी वेदना होगी? बस न जाने कैसे हमारे घरों में पहुंच गया है हिमालय की पहाड़ियों के जैसा बर्फ का घर, यानी फ्रिज। कैसे हमारे घर पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। फ्रिज में मुख्यतः बर्फ पाई जाती है जो कि पानी के जीवों को ठोस है, वो लगता ठंडा पर जैसे ही पेट में जाता है गर्म असर करता है। ऐसी ठंडी चीज जो गर्मी देती है उसका भक्षण करना कहाँ की समझदारी है? आप एटलीस्ट आइसक्रीम के रूप में मेरा भक्षण का त्याग कर ही सकते हो। धन्यवाद। प्रणाम। जिसका भक्षण करने से विकृत होता है आपका तन मन, मैं हूँ वही बैंगन। अन्य धर्म भी कहते हैं बैंगन के बीज 6 महीने तक पचते नहीं है और पेट में ही रहते हैं। अगर कोई कस्टमर 6 महीने तक पेमेंट न करे तो क्या आप उनके साथ बिजनेस करेंगे? नहीं ना, तो मेरा बिजनेस आपके निर्दोष पेट के साथ क्या करते हो? मुझे खाने के फायदे बहुत कम सामने आए हैं, नुकसान ज्यादा है, तो मेरा भक्षण करना छोड़ दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम। आप में से ज्यादातर लोगों के घरों में कब्जा करने वाली चीज बन चुका हूँ मैं, यानी कि मक्खन। मैंने तो अब घी को भी पीछे छोड़ दिया है। आपके ऋषभ चंद पार्टी और दूसरे फंक्शन में फूले आग यूज हो रहा है। अब तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मक्खन। चार से जैसे ही मैं अलग होता हूँ मुझमें असंख्य मेरे ही रंग के जीव पैदा होते हैं। जब मुझमें इतने जीव है तो मुझे क्यों खाते हो? मुझे सिर्फ टेस्ट के लिए खाने से आपको क्या लाभ मिलेगा? इसीलिए मेरा क्या करो? प्रणाम। एक ही तुमको दिखती है काया, इसमें अनंत जीव समाया। हमें खाकर क्या तूने पाया, हमने अपना जीवन गवाया। क्या आपको कुछ समझ में आया? क्या आपको पता चला मैं हूँ कौन? मैं हूँ अनंत काया। एक ही शरीर में अनंत जीव होने के कारण जब भी आप हमको स्पर्श भी करते हैं हमको असह्य वेदना होती है। तो जरा सोचिए, जब आप हमको छुरी चलाते हो कि हमारे ऊपर, तो आप कितना दुख होता हो, हमको कितना दुख होता होगा। मेरे फैमिली में आते हैं आलू, प्याज, लहसुन आदि। थोड़ा आप मानव हो तो मुझे न खाए, थोड़े से स्वाद के लिए इतने सारे जीवों को मारना कहाँ की मानत
होता है। धन्यवाद। जो समझदार तुम्हें बुद्धिहीन बनाए वह हूँ मैं। वैसे तो तुम लोग चार दिन पुराने सब्जी या सड़ी हुई दाल कभी नहीं खाओगे, पर अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाते हो और मेरा सेवन कर देते हो। अब तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ जी, मैं हूँ शराब, सबको बनाता हूँ खराब। क्यों करते हो मुझ पर अपने पैसों को बर्बाद? कितना हूँ मैं हानिकारक पता चलेगा। मैं हूँ आप सबका चैता, नरक का नाशा हाईवे नंबर 1, 21st सेंचुरी का स्टेटस सिंबल हूँ मैं। रात्रि भोजन से आपके शरीर संबंधी बहुत सी बीमारियाँ होती है, जैसे कि रात को खाया हुआ खाना मांस के बराबर और पिया हुआ पानी खून के बराबर होता है। तो आज के साइंटिस्ट ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि रात को खाने से खाना डाइजेस्ट ना होकर हमें आलसीपना, एसिडिटी, मोटापन आदि बीमारियाँ होती है। तो यदि आप महावीर के श्रावक हो तो मेरा त्याग अवश्य करो। धन्यवाद। प्रणाम गीदर, अगर कच्चे दूध या दही के साथ यदि मिलाया है दाल तो बन जाता है दूधल। और दाल ही नहीं, कई हरी सब्जियां जैसे बीन्स, मटर, सवेली आदि सब्जी के साथ अगर खाया है कच्चा दूध या दही तो उसके अंदर उत्पन्न होते पेहिंद्रिय जीव और हम वही जीवों से बनी हुई वस्तु बहुत ही मजे से खाते हैं। पापड़ भी दाल से बनता है और जिसको भी दही चावल के साथ दाल खाना पसंद है वह न खाए, क्योंकि हम जैन होकर इन सभी जीवों की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। धन्यवाद। प्रणाम, आप बड़े ही गौर से कहते हैं वी आर जैन। हम नॉनवेज नहीं खाते, पर नॉनवेज होटल में वेज खाना बड़े ही शौक से खाते हैं। कई इम्पोर्टर चॉकलेट्स, केक, उंगलियां छाट छाट कर खाते हैं। देन इनडायरेक्टली आप मुझे अपने पेट में भेज रहे हो और आप पैकेज के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को नजरअंदाज करके निष्ठुर बन रहे हो। तो कहिए, अभी भी आप शांत से कह सकते हैं वी आर जैन? समझो समझो, यह आपका पेट है, कब्रिस्तान नहीं। धन्यवाद। प्रणाम, मेरी जिंदगी है मुश्किल से तीन दिन, कहता है प्रभु का शास्त्र विचार। जी हाँ, मैं हूँ आपका वही नींबू का खट्टा मीठा कैरी का अच्छा। कहते हैं मैं अगर धूप में अच्छी तरह से सुखाया गया हूँ और मुझे तोड़ने पर छुरी ढूंढने जैसी आवाज़ आए तो ही खाने योग्य हूँ और वो मैं कुछ वक्त मेरा ज़्यादा भक्षण करने से आपको हाई बीपी जैसी बीमारी हो सकती है। तो फिर क्यों करते हो मेरा भक्षण? क्या मेरा स्वाद आपकी सेहत से ज़्यादा जरूरी है? ज़रा सोचिए। धन्यवाद। प्रणाम, प्रभु कहते हैं कि पहले दिन सुधारे हुए फल और सब्जी अगले दिन अक्षय हो जाते, तो आप थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मुझे पहले से मत सुधारो। धन्यवाद। मैं हूँ तुजफल, जिसमें खाने के पदार्थ कम हो और फेंकने के पदार्थ ज़्यादा हो। फेंकने के कारण उसमें समूचे जीव पैदा होते हैं, इसीलिए आप इसका त्याग करें। धन्यवाद। ये तो हुई प्रभु के बताए हुए अभक्ष्य की बात, पर हम बुद्धिशाली मानव रहते आज के घरों में इन सब अभक्ष्य को ला रखा है। मैं मुख्यतः दूंगी इस हुक्का को। हम सोचते हैं हुक्का लेना कोई गुनाह नहीं है, जिंदगी एक बार मिली है, एक बार तो हुक्का को ट्राई करना ही चाहिए, इसलिए हम लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ लेते हैं। बट हुक्का भी विश नाम के अभक्ष्य में आता है। फिर आते हैं चिप्स, नमकीन्स के पैकेट्स, हम इसे घर पे स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी भूख लगे, कुछ बोर मारे, तब हम खाना पसंद करते हैं। हाँ, 2 मिनट में खाना बनाना हो तो सबसे इजीली क्या बन सकता है? मैगी, पास्ता और नूडल्स। इन सबके अलावा क्या खाना नहीं बचा? हम सब इतने ही मौज शौक से खाते हैं, प्राउडली हम बोलते हैं कि हम जैन हैं। फिर आते हैं कोल्ड ड्रिंक, हम समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जितनी ठंडक शरीर में जाके देता है उसके बदले कोई ड्रिंक नहीं दे सकता। बट नहीं, नींबू शरबत और दही की चाट जितनी ठंडक दे सकता है उतना कोई भी नहीं सक देता। बटर, चीज़, मायोनीज, इन सबके बिना तो आपको चाट एकदम टेस्टी नहीं लगती, राइट ना? बट नहीं, कभी खाते वक्त बटर में रहे हुए बेंदिया जीवों के बारे में आपने सोचा? नहीं। चीज कैसे बनती है वो आपको पता है? चीज गाय के नवजात बछड़े के पेट में से प्रेग्नेंट नामक पदार्थ को निकाल कर बनाई जाती है। ब्रेड, पाव, पिज्जा, हम सोचते ये जैन आते हैं, बट नहीं, इनमें ईस्ट आता है जो फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है और वो अभक्ष्य है। बिस्किट, चॉकलेट्स, मायोनीज, सॉस, मसाला पाउडर, हमें सब चीज इतनी इंस्टेंटली मिल रही है, लाइक इडली का घोल, आटा, मैदा, मसाले पाउडर, सॉस, हम सब वो लाकर अपने घर जैन घर को बोलते हैं जैन है, हम जैन है, बट ये सब अभक्ष्य में आता है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे जैना रिपोर्टर की रिपोर्टिंग। इस रिपोर्टिंग को देखने के बाद हमें यही पता चलता है कि पशु हो या पक्षी, जानवर हो या नॉर्मल कोई भी इंसान, वो अपनी आहारचर्या को कभी नहीं छोड़ता है। अगर किसी शेर को देखे, अगर उसके सामने मांस रखे तो वो मांस शौक से खाएगा, अगर मांस ना मिले
और घास फूस रखी जाए तो वह उसे छुएगा तो नहीं, यानी कि वो मरने के लिए तैयार है पर उस घास फूस को खाने के लिए तैयार नहीं है। और हम इंडियंस के अंदर भी हम जैन है, जैनों की इतनी उत्तम आचरिया उसको तो हमने कब का पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, हम इंडियंस हैं, इंडियंस होने के बाद क्या हम इटालियन खा सकते हैं, चाइनीज खा सकते हैं, मैक्सिकन खा सकते हैं? नहीं, फिर भी हमने अपनी आचरिया में उन्हें इंक्लूड कर दिया है। आपने कभी किसी अमेरिकन को रोटी सब्जी खाते हुए देखा है? नहीं, तो हमने क्यों उनकी आचरिया को अपना दिया? क्या हमारे पास खाने के व्यंजनों की वैरायटी नहीं थी? थी, पर जीना के साथ बनाए जाने वाले थे और उसमें ज़्यादा टाइम जा रहा था और हमको तो अभी सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तो हमने उन सबका त्याग कर दिया है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर आपके घर कोई भी महाराज जी अचानक गुजरे के लिए आ जाए तो आप इन सब चीज़ों में से आप किस चीज़ को बहरा सकेंगे? उत्तर जाने पर यही जवाब मिलेगा कि इनमें से एक भी चीज़ गुरु भगवान को नहीं वारा सकते। जब गुरु भगवान को नहीं वारा सकते तो हम हमारे पेट में कैसे डाल सकते हैं? गुरु भगवान की गोचरी हम जैन श्रावकों के घर से ही मिलती है। अगर हमारे घर में ही अपक्ष आना चालू हो जाएगा तो उनकी गोचरी दुर्लभ हो जाएगी। हम जैन हैं, हमारे जैनत्व का गौरव बढ़ाने के लिए हमें इन अपक्षों का त्याग करना ही चाहिए। धन्यवाद। मन याद अवश्य तारो सतवारो, मन याद अवश्य तारो सतवारो, मन याद अवश्य तारो सतवारो।